वी आर लाइव और लाखों बच्चों की मात्रा में बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आज माहौल काफी सही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे आज के जो गेस्ट है वो केमिस्ट्री के टीचर आपके सुनील सर और एसएसटी के किंग हमारे कुणाल मार्कचाल सर, दोनों हमारे साथ बैठे हैं, पर इनको आज के बारे में कुछ नहीं पता है कि आज क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपके साथ बैच में आपको टेस्ट के थ्रू जज करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितने ध्यान से क्लासेस को देखते हैं, आज हम इनको टेस्ट करेंगे। आज हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और आज इनके साथ खेलेंगे खूब सारे राउंड, जहां पे इनका नॉलेज चेक करेंगे कि जो आपको ये ज्ञान देते हैं एक्चुअल में ये कितने ज्ञानी है। तो आज का शो, तो पहले सुनील सर से पूछते हैं, सर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बीडब्ल्यू गेम शो का ये पहला एडिशन है और आप हमारे पहले गेस्ट हैं। सर पहले बोला गया था कि आपको आगे गेम शो में क्विज लेना है, यहाँ आने के बाद पता लगा कि क्विज देना है, तो ये थोड़ा सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर लग रहा है। इसके लिए रेडी नहीं है मैं, एकदम आया हूँ, मस्त एकदम क्विज लेंगे, एकदम मस्त सवाल पूछेंगे, मजा आ जाएगा। आई थिंक कुणाल भाई भी ये सोच रहे थे, हम ये सोचते रहे थे, आधे आप पूछना आधे मैं पूछूंगा, ठीक है? अब आधे आप करना आधे मैं करूंगा। नहीं, पहले हमारा ऐसा था कि आप दोनों को अलग अलग टीम में खिलाएंगे, फिर मैंने क्वेश्चनों का लेवल देखा, मैंने बोला दोनों को एक टीम में डाल दीजिए, अदरवाइज ये पहले क्वेश्चन में ही बाहर हो जाएंगे, है ना? तो अब आप दोनों एक ही टीम में हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। आपके पास तीन लाइफलाइन है यहाँ पर, सबसे पहले ऑडियंस हेल्प, आप लाइव चैट देखकर बच्चे जो आंसर दे रहे हैं आप वो देखकर आंसर दे सकते हैं। सेकंड, हमारे एक्सपर्ट एडवाइस, दो यूपीएससी वाला कैटेगरी से हमने दो एक्सपर्ट को बुलाया है, आसिम सर जिनको बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, एंड अनदर लेजेंडरी टीचर हमारे आदित्य सर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उन्होंने भी अपने बिजी स्केड्यूल में पीडब्ल्यू गेम शो को टाइम दिया है। तो काफी ज्यादा आज इंटरेस्टिंग माहौल हो चुका है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ काफी हीट वेव यहाँ पे निकल रही है, तो काफी ज्यादा बैटल वाला फील है। और आप एक भी आंसर कभी गलत देते हैं तो किसी भी तरह की कोई आपको हम मदद नहीं कर पाएंगे, आपको सीधे निकाल दिया जाएगा इस शो से बाहर। ऐसा तो, पहले क्वेश्चन के बाद ही हम बाहर हैं। हाँ, तो इसलिए तीनों लाइफलाइन का आप यूज करिए, है ना? और थर्ड लाइफलाइन जो है आपकी फोन ऑफ फ्रेंड है, जहां आप किसी भी टीचर को कॉल करके आंसर पूछ सकते हैं। क्या बात है, तो तीन लाइफलाइन का आप यूज कर सकते हैं, तीन राउंड आपके पास है, और जो भी आप मतलब ये पूरा शो जीत जाएंगे तो उसके बाद बच्चों के लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा सरप्राइज है, तो आखिरी में बच्चों के लिए बहुत कुछ होने वाला है इस गेम शो में। हम लोग भी सरप्राइज है, तुम लोग को भी सरप्राइज मिलने वाला है, कितना खतरनाक माहौल है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पीडब्ल्यू गेम शो पहला राउंड, जिसका नाम है आ देखे जरा किसमें है कितना ज्ञान। तो पहला राउंड हमारा है, इसके मैं रूल्स आपको समझा देता हूं। इस राउंड में मैं आपके सामने पांच क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? उन पांचों क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। आप ये राउंड जैसे ही पार करेंगे आप राउंड टू में एंटर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाए। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस कंपाउंड इज, ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी CCl4, ऑप्शन सी MgCl2 और ऑप्शन डी CaCl2। बी है सर। तो एक बार सर सोच लीजिए, कभी गलत जवाब हुआ तो आप गलत पढ़ लिएगा इस शो से बाहर हो सकते हैं। नहीं नहीं, बी बी लग रहा है, बी है, बी है सर, बी है। हाँ हाँ, लॉक कर दिया जाए। हाँ हाँ सर, ये तो देख के लग रहा सर था। पहले ही आंसर में कभी बाहर होते हैं तो पीडब्ल्यू गेम शो की स्टार्टिंग में मतलब मुझे अगले गेस्ट को इनवाइट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था आज पहला सीजन है, पहला शो का पहला एपिसोड है, तो काफी देर चलेगा, तो लॉक कर दे। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, CCl4, और ये बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सर, हार्ट बीट तेज करवा दी सर, मैं गलत पढ़ लिया क्या? विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो लिखा नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, CCl4 इज अ करेक्ट आंसर। क्या बात, है ना? बच्चे भी आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं, पर मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा
कि आपने इसमें आंसर दे दिया था CaCl2 जो कि गलत था, है ना। सारे मेटालिक क्लोराइड है, बस एक ही नॉन मेटालिक क्लोराइड है CCl4, इसलिए आंसर नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया जाए। आइडेंटिफाई द वॉइस, आपको ये आवाज पहचाननी है, हम आपके सामने एक आवाज प्ले करेंगे, पहचानी है किसकी आवाज है ये। हाँ करिए सर, आवाज प्ले करिए। बहुत से लोगों के दिलों के करीब है, किसी ने इसके बारे में सुना है तो किसी ने इसे कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। एक्सपर्ट। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यह आजादी क्या है? बच्चों को भी एक बार गैस करना। क्या ये वो आजादी है जो हमें 76 साल पहले मिली, या फिर वो जो आजादी के बाद से ही लोगों के मन में रही? क्या बात है सर, आप ही की है ना। बच्चे कह रहे हैं आसिम सर की आवाज है, जो कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आसिम सर की तरफ आपने पॉइंट किया फिंगर अपना, तो ये आवाज आसिम सर की है। आप दो सवाल जीत चुके हैं। इस राउंड में अब आपके पास तीन सवाल और बचे हैं। जैसे ही आप ये तीन सवाल का सही जवाब देते हैं, आप राउंड टू में एंटर कर लेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे राउंड क्वेश्चन नंबर 3 प्रेजेंट किया जाए। आइडेंटिफाई दिस पर्सन, ये ऋतिक भाई है। ऋतिक भाई है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिए सर। इधर कोड लिखते हैं वो, नेवर गिव अप वर्क हार्ड, ऐसे कोई कोड लिखते हैं ऋतिक भाई। सर आप बहुत जल्दी में, कई बार क्या होता है हम जल्दीबाजी में ना कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमें नहीं उठाना होता है। रक्षक सर तो नहीं है, क्यों भी है, हैं ये हाथ इतने पतले थोड़ी है रक्षक सर के, रक्षक सर के इतने हाथ पतले, ये पतले से लग रहे हैं यार। कुणाल सर को लग रहा है कि ये रक्षक सर है, सुनील सर को लग रहा है कि ये ऋतिक सर है। देखते हैं क्या आप फाइनल आंसर देते हैं। बच्चों का भी आंसर आ रहा है, बच्चे रक्षक सर कह रहे हैं, नेवर गिव अप वर्क हार्ड, नेवर गिव अप कह रहे हैं, देखते हैं। ऋतिक सर भी लिखते हैं ऐसे वर्क हार्ड नेवर गिव अप करके, टाइट वो लिखते हैं लेफ्ट साइड पे ना, इधर इस तरह आप फोन भी कर सकते हैं, आपके पास लाइफ लाइन अवेलेबल है, आप लाइव चैट की हेल्प भी ले सकते हैं। लाइव चैट लेंगे सर, लाइव चैट में लेंगे, बट मेरे को ऋतिक सर लग रहे हैं पता नहीं क्यों। ओके, सो हमारी फैकल्टीज सुनील सर एंड कमल सर ने लाइव चैट या ऑडियंस हेल्प की हेल्प लेने का सोचा है, तो इनकी पहली लाइफ लाइन यहाँ पे यूज हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो कंप्यूटर लाइव चैट प्रेजेंट करिए। कंप्यूटर तो नहीं, मुझे ही करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो ये है लाइव चैट। सर मैं सही पकड़ रहा था सर, ये ऋतिक सर ही है सर। हाँ ऋतिक सर ही है सर, बच्चे ही लिख रहे सर। ओके वर्क हार्ड नेवर गिव अप लिखता है ना। ओके तो ऋतिक सर को लॉक कर दिया जाए, और ये एकदम सही जवाब है। अरे यार सही हो जाता बिना लाइफलाइन के। हाँ मेरा काम है सर आपको कंफ्यूज करना। लाइफलाइन वेस्ट करना, आपकी एक लाइफलाइन वेस्ट हो गई। और अभी आपको यहाँ से दो राउंड और खेलना है आगे, और इसमें अभी दो क्वेश्चन बाकी है। पर हाँ एक बहुत अच्छी चीज है, अभी आपने एक्सपर्ट एडवाइस का यूज नहीं किया है। हमारे एक्सपर्ट चार बार यूज कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट को नाश्ता सर्व किया जाए, काफी देर से बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन आ गया है आपके पास, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप फोन अ फ्रेंड की हेल्प लेकर, हमारे जो कुणाल सर है, ये हो गया भाई, कुणाल भल्ला सर, उनकी हेल्प ले सकते हैं। इफ पोस्ट इज 1 2 3 4 एंड फ्लर्ट इज 5 6 7 8 4, व्हाट इज फ्रोस्ट? सर ज्यादा के 1 होगा, बट मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। टी से टी 4 हो गया, एफ बेसिकली 5 है, आर बेसिकली अब देखोगे तो 8 है, तो 5 8 4 तो हो गया। उसके बाद आपको देखना है आपका ओ आर एस, तो ओ ओर एस, अच्छा 6 आ रहा है इधर, एक मिनट। नहीं ओ वो 2 है ना। हाँ तो सही तो बोल रहा हूँ मैं, 5 8 2 3 4 ही तो सर। ए के साथ फर्स्ट के साथ जाएंगे, फर्स्ट के साथ 5 8 2 3 4। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ आप जीत चुके हैं। करेक्ट आंसर पहला तो हम आपको नहीं देंगे। ये सारे राउंड जीतने के बाद अब बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट बच्चों के लिए है, है ना। बच्चों को बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन गिफ्ट यहाँ पे मिलने वाला है, है ना। तो आपके टीचरों को जीतने के लिए आप भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियंस हेल्प की वजह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपकी फैकल्टी सही दे पाई, है ना। सही, तो ये वाला आंसर भी सही हो गया सर। अब आखिरी क्वेश्चन है इस राउंड का, क्वेश्चन नंबर 5। और बहुत सारे लोग राउंड 1 में ही बाहर हो जाते हैं, ऐसा मेरे को टीम ने कहा था कि सर हमने इस तरह से क्वेश्चनों को सेट किया है कि पहले ही राउंड में गेस्ट चले जाएंगे, ताकि अपन एक ही दिन में ज्यादा गेस्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं बाहर और भी गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं।
क्या बात जो इस गेम शो में आएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैं जैसा देख सकता हूँ सर 4000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों को बताना है फाइंड द मिसिंग नंबर। अरे तीन दो सर, अच्छा जी कंप्यूटर फाइंड द मिसिंग नंबर, ये बदल दस दस में से एक माइनस, तीन दो पांच, पांच में से माइनस, तीनों छह, नौ में से एक माइनस आठ होना चाहिए। दो और आठ दस, दस में से एक माइनस नौ हो गया, तीनों पांच में से एक माइनस चार, तीनों छह, नौ में से एक माइनस आठ, आठ होगा। ए वो मना कर रहे हैं ये क्या है भैया यार, ये अलग क्या किया आपने, एक बार वापस से बताइए सर। 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 1 9, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 1 8। गलत है क्या, मतलब सही तो लग रहा है। सही है, ठीक है, बहुत सही सर। मुझे लगा इसमें तो आप फोन अ फ्रेंड का यूज कर ही लेंगे, तो बिल्कुल सही जवाब है सर। इसको एक एक तरीका ये सोचने का जो कि आपने बिल्कुल सही, इसके एक और आंसर ये भी हो सकता है 289 17 का स्क्वायर, 324 18 का स्क्वायर एंड 361 19 का स्क्वायर। अच्छा, तो वन भी हो सकता है इसका आंसर, पर आपका वाला भी बिल्कुल सही लॉजिक था, तो ये वाला आंसर भी आपने सही दे दिया है। और इसी के साथ राउंड वन, अब देखिए जरा किसमें कितना है ज्ञान। हमारे टीचर पार कर चुके हैं, मतलब सर आप लोग काफी ज्ञानी लोग हैं, है ना, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आए, और आपने सारे जवाब बिल्कुल सही दिए, और आपने केवल एक लाइफलाइन का यूज किया है। तो अभी आपके पास दो लाइफलाइन है, और यहां से आपको दो राउंड और आगे चलना है। हर राउंड की एक लाइफलाइन दे देंगे। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर। तो राउंड टू का नाम है भरो मगर ज्ञान। यहाँ पे रिक्त स्थान होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जो आपको फिल करने हैं, है ना, एक वर्ड से। वो वर्ड होगा, माइट बी उसकी डेफिनेशन होगी, है ना। तो आपको वो पूरा सेंटेंस रीड करना है, और उसके बाद ये देखना है कि यार ये जो वर्ड है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल भाषा में कहूं, वो ऑप्शन होंगे या मैं खुद से? ऑप्शन नहीं होंगे सर ये वाला राउंड। अब जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे लेवल इंक्रीज होगा, जैसे आप लोग भी क्लासेस में स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन कराते हो, फिर जैसे जैसे बच्चों को आखिरी तक ले जाते हो, डीपीपी में और टफ क्वेश्चन दे देते हो, फिर टेस्ट में तो और ज्यादा टफ क्वेश्चन आप बच्चों के लिए बनाते हो। तो उसी तरीके से हमने भी बनाया कि आप बच्चों से तो हर तरीके का टेस्ट लेते हो, पर आपसे टेस्ट लेना भी जरूरी है, है ना। तो अब ये वाला राउंड ऐसा है कि आपका नॉलेज, कभी आपको एकदम पता हो कि यार ये डेफिनेशन मैंने पढ़ रखी है और ये इसकी है, देन ओनली यू विल आंसर, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे। हमारे पास यूपीएससी वाला टीम से दो धुरंधर टीचर आए हुए हैं, जिनको मतलब दे आर लाइक ज्ञान का सागर है, है ना, तो वो आपकी हेल्प करेंगे सर। एक मेरा डाउट है, अगर हम जीतेंगे तो क्या मिलेगा सर? आप लोग जीतोगे तो ये मिलेगा, इसमें है बच्चों के लिए सरप्राइजेस। अच्छा, तो ये होगा एक स्पिन ऑफ व्हील, आपको स्पिन करना होगा व्हील को, और उसके बाद बच्चों के लिए बहुत सारे ऑफर्स इसमें निकल कर आएंगे। समझिए, जीतना पड़ेगा सर, है ना। अब तो बच्चों के लिए करना पड़ेगा। चलिए बड़े आगे जी सर, भरो मगर ज्ञान से, एकदम ज्ञान से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते करेंगे, ठीक है ना। सुनील सर एक्साइटमेंट में गलत जवाब मत देना, मेरे को भी गलत जवाब सीधे बाहर का दरवाजा, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और जैसा कि आप देख सकते हो केमिस्ट्री का है, तो मुझे लगता नहीं आप गलत देंगे। I am a dash used in chemistry to represent the number of atoms or molecules in a mole. What am I? Avogadro number. They used in chemistry used to represent number of atoms or molecules in a mole. Question guessing है वैसे, but in a mole what am I? तो Avogadro's number है। Avogadro number को lock कर दे। एक बार और सोचना चाहिए। I am a dash used in chemistry. कुछ और भी कहते हो number of atoms or molecules को in a mole. Avogadro number ही कहते हैं सर। ओके, सो आई एम अ डैश यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ मोल। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मोल में रिप्रेजेंट करने के लिए किस नंबर को यूज करते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.02 * 10 टू द पावर 23 यही यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, राउंड टू का पहला क्वेश्चन सुनील सर ने क्रैक कर दिया है। सर बट ये मिसिंग है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स? सर वो एक ही बात है, और लिख दिया उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और का मतलब क्या है, तो इतना हम चल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे कह रहे क्लास 10th का है, बिल्कुल ये क्या है, आई एम अ डैश मेथड इन मैथमेटिक्स सर, मैथमेटिक्स। हां, आई एम अ डैश मेथड इन मैथमेटिक्स दैट यूजेस लेटर्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड क्वांटिटीज, व्हाट एम आई? एलजेब्रिक नंबर, एलजेब्रिक मेथड, और क्या होता है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड होता है। अरे एक मिनट परी भाई, हाँ मैथमेटिक्स में कहाँ पे लेटर्स और नंबर्स का यूज होता है ना,
मैं कहूंगा मेथड या ऐसा कौन सा चैप्टर, ऐसी कौन सी यूनिट जहां पे लेटर्स एलजेब्रिक मेथड ही लग रहा है सर मेरे को, जहां तक क्योंकि हम केमिस्ट्री में भी इक्वेशन बैलेंसिंग में एलजेब्रिक मेथड को यूज करते हैं ना, वेरिएबल्स और कांस्टेंट की बातें यहां पे हो रही है, लेटर और सिंबल उन्होंने लिख दिया है, लेटर और सिंबल का यूज कहां पे होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने में, तो बच्चे भी आंसर दे रहे हैं एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप चाहे तो एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। और कौन सा मेथड होता भाई? क्योंकि ये जवाब गलत हुआ तो आप राउंड टू में ही अलविदा कह देंगे पीडब्ल्यू गेम शो को। अरे आई एम अ डैश मेथड सर, अ लगाया कि कंफ्यूज करने के लगाया कि एन एलजेब्रिक मेथड या आर्टिकल है ना, डैश एलजेब्रिक मेथड। यार सर लाइफलाइन वेस्ट करवा रहे हैं यार मेरे को, एलजेब्रिक ऐसे कंफ्यूजन है कई बार। ये आप ही के लेक्चर में हमने सुना है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखिए। चलिए सर एलजेब्रिक के साथ जाऊंगा मैं, बट आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे, सेल्फ बिलीफ रखेंगे, खुद पे डाउट मत करिए, सेल्फ डाउट के कारण बच्चे भी बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सर एलजेब्रिक मेथड से, एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड के साथ चले जाए, लॉक कर दे केमिस्ट्री, एलजेब्रिक मेथड एकदम करेक्ट आंसर है। केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था ना एलजेब्रिक मेथड, पर मैथमेटिक्स से सवाल मत दिया करो भाई। बच्चे कह रहे हैं सर हमने पहले ही जवाब दे दिया था, बच्चों तुम तो हो ही यार, सर लोगों के स्टूडेंट हो, तुम्हें तो जवाब देना ही है पहले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप फोन ऑफ फ्रेंड का यूज कर सकते हैं सर, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आई एम अ डैश लॉ इन फिजिक्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लियर है सर, ये तो अरे फेवरेट है फिजिक्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर सर एक बार सोच लीजिए, हाँ पहला लॉ ऑफ इनर्शिया है, दूसरा है फिजिकल स्ट्रेम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कह रहे हो, एक बार वापस से रिवाइज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी, तो वो हो गया नहीं, तीसरा वाला एक्शन एंड रिएक्शन वाला हो जाएगा, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। थर्ड लॉ है ना, हाँ भाई गलत नहीं होता, पक्का पक्का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉक कर दिया जाए और वो एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही। अब आप दो कदम दूर हो राउंड टू को पार करने के, हार्ट बीट तेज है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 टफ आने वाला है, हैं? क्वेश्चन नंबर 4 विल बी टफ। चलिए भाई आगे बढ़ाइए कंप्यूटर। आई एम अ डैश एंगल इन ज्योमेट्री फॉर्मड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, व्हाट एम आई? एंगल बाइसेक्टर होता है ना 90 डिग्री पे, आई एम अ डैश एंगल इन ज्योमेट्री फॉर्मड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, आई एम अ डैश एंगल, ओके, in a geometry formed by the intersection of two perpendicular lines, दो perpendicular lines जब intersect होती है, तो वो कौन सा angle form करती है? Right angle 90 degree. Intersect कर रही है। अरे तो ये 90 degree बनाना भैया, 0, 30, 60, 45, दे 30, 45, 60, 90, formed by the intersection of two perpendicular lines, what am I? Expert बैठे हुए। अरे बार बार confuse करके मैं live में, मैंने एक वो भी use नहीं करता मैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि केमिस्ट्री के आप लेजेंडरी टीचर हो, आप एसएसटी के हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस, ये मेरी लाइफलाइन यूज करा रहे हैं यार, एक्सपर्ट एडवाइस का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी कैटेगरी से दो लोगों को बुलाया गया है। अरे रुक जाओ भाई, डे स्टोरी लाइफलाइन मत करो, रुक जाओ। आई एम अ डैश एंगल इन ज्योमेट्री है ना, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर, सर 90 ही तो होता है, 90 ही होता है, नॉर्मल रे भी आती तो 90, ओके फिजिक्स में, तो फिर लॉक कर देते, राइट एंगल ट्रायंगल गलत हुआ तो यार ये बाहर वाली धमकी अलग है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लॉक कर दूं सर, राइट एंगल ट्रायंगल कंसल्ट करें अपन फोन ऑफ फ्रेंड, अरे क्यों वेस्ट, अरे नहीं करते वेस्ट लाइफलाइन, फोन ऑफ फ्रेंड नहीं तो कहां ले जाओगे, घर ले जाओगे इतनी लाइफलाइन, अरे नहीं क्यों वेस्ट करनी, पहले भी वेस्ट नहीं करनी थी, ऋतिक सर सही आंसर था भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है बाहर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चल जाएंगे, नहीं 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 बहुत बेइज्जती हो जाएगी, नहीं जाना बाहर सर, बहुत यहाँ तक पहुंच गए हो, अब यहाँ से बाहर जाना बाद में, क्योंकि अब तो ये पर्दा खोलने का वक्त आ गया है, तीन सही हो चुके हैं, हाँ सर फोन लगा मैं, सर फोन ऑफ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस जो भी आप लेना चाहो, अरे यार मैथमेटिक्स के ऋतिक सर को आप कॉल कर सकते हो, कमल सर को कॉल कर सकते हो, अभिनय सर को कॉल कर सकते हो, और दो एक्सपर्ट भी बैठे हमारे साथ, एक काम करते फोन लगा नहीं, अभी नहीं तो मैथ्स का सवाल है सर दो, अरे सर एसएसटी के यार एक लाइफलाइन वेस्ट हो जाएगी, फोन लगाते तो मैं देख सकता हूँ बच्चे काफी मात्रा में जुड़ चुके हैं, 4,500 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी तेजी से वो आंसर दे रहे हैं, अरे मैं तो देख ही नहीं रहा सर, दिखता ही नहीं इतना तेज, अभी हो जाएंगे, मैं राइट एंगल पे सही हूँ बट ठीक, नहीं कॉल तो लग रहा है, उठा नहीं रहे होंगे भाई, उठाते कुछ बोलना दे,
चलिए सर, ये लाइफ में देश तो नहीं मिला अगर फोन नहीं उठाया तो, फोन नहीं उठाया तो साधना नहीं निकलती है ना, टाइम तो निकल गया ना, टाइम निकल गया सर, तो फोन ही नहीं उठाया ना उन्होंने, फोन नहीं उठाया सर, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया मैंने पूछा था नहीं नहीं ठीक है, फोन अ फ्रेंड, कोई इनके फ्रेंड अवेलेबल ही नहीं है कॉल उठाने के लिए, तो ये लाइफलाइन आपके लिए कोई यूज की नहीं रही, अब आपको ही इसका जवाब देना होगा। अरे ये गलत है सर, फोन उठता तो यूज होते नहीं, यूज हो रही सर, मेरे को लग रहा है सर वेस्ट करवा रहे हैं। नहीं नहीं आप सर किस, अब तो जाना ही होगा या तो एक्सपर्ट भी राइट 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 एंगल के साथ आप जाना चाहेंगे सर, राइट एंगल, राइट एंगल पक्का, पक्का राइट एंगल एकदम करेक्ट आंसर है। मैं कह रहा हूँ मत यूज करो यार, मत यूज करो, वेस्ट करवा रहे लाइफ लाइन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ राउंड टू का लेकर आइए, लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का, यहाँ से कभी आप हारते हैं स्टोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आंसर का जवाब गलत देंगे कुणाल सर तो आप कुछ भी, ये डार्विन था ना, कोई डार्विन था ना, डार्विन वंडर्स, तो पास्ट टाइम लिखते हैं डार्विन थ्योरी, आई एम अ डैश थ्योरी इन बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट एम आई, हेरिडिटी इवोल्यूशन, तो बहुत जल्दी इसका आंसर है, चैप्टर 9 हेरिडिटी इवोल्यूशन का सवाल है, डार्विन थ्योरी लग रही है, नेचर से कुणाल सर आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, कुणाल सर क्यों भाई बात ही क्या, आपको ट्राई कर रहा हूं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी ना, ये एक्सपर्ट आर वेटिंग, फिर वेस्ट करा, एक एक्सपर्ट है, he is a biology expert, और एक एक्सपर्ट हमारे पूरा ओवरऑल जनरल साइंस देखते हैं सर, एक बार भी दोनों जगह जरूरत नहीं थी, आपने यूज करवाई, अब भी नहीं लग रहा मुझे, डार्विन की थ्योरी लग रही है, डार्विन पर वो एनसीईआरटी में नहीं है ना, जो एनसीईआरटी में वो सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, है ना सर, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं क्यों नहीं पूछूंगा, ऐसा आपने मुझे बताया मेरे को लगा वो बोर्ड टाइप है, तो डैश डार्विन थ्योरी के साथ जाते हैं, डार्विन और स्पेंसर का, ये तो मुझे याद है, दो नाम क्यों साथ क्यों जाएंगे, मतलब दो अलग अलग कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे शायद, ऐसा कुछ है, डार्विन डार्विन ही लग रही है भाई मेरे को, हमारे एक्सपर्ट भी तो फोन चलाने में बिजी हैं, आंखें ऊपर करके बोल दे एक बार, मेंडल नहीं हो सकता, मेंडल में हो गया था, अरे मेंडल तो हमारी केमिस्ट्री का है यार, वो मेंडल था, वो ग्रिगर जॉन मेंडल था, जिसने फादर ऑफ जेनेटिक्स सिस्टम एक्सपेरिमेंट किए थे, डाई बोल एक्सपर्ट नोस द आंसर, ये देखो वेस्ट करा रहे टाइम, क्योंकि एक्सपर्ट का काम ही है, उनको एक्सपर्ट की उपाधि क्यों मिलती, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, लास्ट वन बचा है, डार्विन सर, डार्विन फाइनल करो आप, या तो बाहर जाएंगे, डार्विन फाइनल, कुणाल सर का जो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है ये आपके लिए वो दरवाजे खुलने वाले हैं सर, मैंने डार्विन देख ही बोल दिया था, जब भाई ने कंफ्यूज किया, स्पेंसर स्पेंसर लिया भाई, वो भी है बट डार्विन सर, मैं को तो डार्विन ही, डार्विन के साथ जाना चाहेंगे, चलिए मैंने डार्विन ही बोला था, हारे जीते क्या है, एक ही बात है यार, चलिए तो डार्विन को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये बिल्कुल सही आंसर है, देखा तुमने राउंड टू आप लोगों ने जीत लिया सर, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, राउंड टू हमारे एक्सपर्ट भी आ सकते हैं, आपकी हेल्प नहीं लगी, अजी आ जाइए, आ जाइए, राउंड थ्री है, पर अब राउंड थ्री के लिए हमको, राउंड थ्री इज लाइक आर्ट, राउंड थ्री में क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, राउंड थ्री अब आप दोनों के अपोजिट आपको खेलना है, अब आप इधर आ जाओ सर, आप दोनों की जो टीम है वो हमने ब्रेक कर दी है, क्या करना है राउंड थ्री में, क्या होगा, ये मेरे हाथ में कुछ इमेजेस है, ओके जैसे कि आप देख सकते हो, इशारों ही इशारों में आपको बातों को समझना है, इशारे नहीं समझते सर, आप इसीलिए इशारे करेंगे, इशारे समझना इनको है, इशारे समझना इनको है, आपको इशारे करने हैं, ये इशारे समझेंगे और इशारों ही इशारों में जवाब निकलेगा, और इशारे गलत हो तो तो एक्सपर्ट बैठे हैं, लास्ट लास्ट बचा तो एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगे, एक्सपर्ट को भी ये इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है ना, बच्चों को दिखेगी, एक्सपर्ट को भी नहीं दिखेगी, एक्सपर्ट को मैं कहूंगा आप लोग इस सोफे पे आ जाइए, क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए मुझे इमेज को ऐसे, सर इमेज मेरे को दिखी नहीं रही है, आपको दिखेगी नहीं ना सर, आपको तो एक्ट करना है, अच्छा आप मुझे दिखाओगे, मुझे आपको दिखेगी जब मैं यहाँ रखूंगा, अभी नहीं, अच्छा सर को नहीं दिखेगी, अच्छा इनके पीछे रखोगे मैं इशारे, अच्छा पिक्शनरी सॉर्ट ऑफ, आप यहीं बैठे रहो, पिक्शनरी हो गया सॉर्ट ऑफ, है ना, अरे भाई मैं तो कुछ भी इशारे कर दूंगा यार, मतलब मेरे को पता है सर, तो और डिफिकल्ट डिफिकल्ट निकाल, चलिए पहला इशारों ही इशारों का सवाल आ रहा है, सवाल क्या, आपको इशारे करने हैं, इशारे करने, चलिए सर अब आपको देखना कुछ भी नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते ना, कुछ नहीं बोलना है सर, एक्ट करना है,
स्केलेटन। ओ भाई देख लिया था क्या? नहीं 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 देखा। कैसे किया इतनी जल्दी सर? मैंने बस ये किया, पूरी बॉडी में स्केलेटन। मेरे को आ रहा था 206 पर लिखूं कैसे 206। पहले सोचा था ऐसे 2 फिर 0 फिर 6 फिर लगता बाहर निकाल दो। इतनी जल्दी आंसर दे दिया यार। चलो सर एक चीज नहीं बताया गया था कि आपको आगे क्विज लेना है। इतनी एक्साइटमेंट से आया था ना मैं, पता चला क्विज हो रहा है। चलो चलो अगला अगला। ये तो मेरे को पता ही नहीं है क्या ये क्या है ये क्या है ये ये क्या है भाई क्या है? पहले वाला पता सर, बाद वाला पता ही नहीं मेरे को। नहीं वो सेम ही है। है हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है सर। ये कोई वर्ड है क्या जो जोड़ के बनाया है या किसी करके देखो। अरे सर मैं पहले वाला इजी है सर, ट्विटर अभी एक्स हो चुका है। हाँ अरे देख रखा है। नहीं भाई मैं नहीं खेल रहा है गेम, मैं ये गेम नहीं खेल रहा हूँ, सारे देख लिए इन्होंने। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। मैंने तो नहीं देखा था, मुझे नहीं पता। अब उल्टा करेंगे सर, आपने सारा देख रखा है, इधर आ जाओ आप। अच्छा ऐसा क्या देख रखे यार? नहीं देखे नहीं देखे टीम ये। मैं जा रहा हूँ यार, ये शो नहीं करना है मुझे। मेरे को पता भी नहीं है कि ट्विटर एक्स हो चुका है, ये मेरे को पता भी नहीं है। सर ईमानदारी से, ईमानदारी से सर उड़ के दिखाया ना इन्होंने। मेरे को तो ये भी पता था ये एक्स हो चुका है। अब मैं समझ गया हूँ। चलो कोई नहीं सर, आप आपको बताना है सर एक्टिंग करेंगे। हाँ अब बताओ सर, अब होगा गेम। फुटबॉल क्या? रोनाल्डो क्या फोटो में है? प्लेयर है, खेल रहा है फुटबॉल? लात लात मारी फुटबॉल। अरे भाई क्या किया? लात लात मार दूंगा। हाँ भाई क्या करो, कुछ तो करो। क्या सिंग बैल ऑक्स तैरना? क्या है यार ये, कौन सा गेम है यार ये? ये क्या चल रहा है सर? आप इसमें हेल्प ले सकते हो। ये समझ में आ रहा आपको? बैल है वो, आपने पढ़ लिया लगता पहले। सर कुछ और एक्टिंग। ये क्या बैल है, सींग है, देखो हॉर्न है, बैल है सर इसमें ना। बैल 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 बुल 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 को नीचे करूं, बुल बू। सर इसमें ना एक्सपर्ट बुल नीचे बैठा है, बुल नीचे बैठा है। सर सुनो तो हाँ। इसमें आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो, एक्सपर्ट को भी आकर यहाँ पे एक्ट करना है। आ जाओ ये ले लेते, ये ले लेते, आप आ रहे थे ना। हाँ तो आज सर तो हमारे सुनील सर एक्सपर्ट एडवाइस की ओर जा रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है उनके पास। एक मिनट यहाँ पे सर, ये बुल बुल बुलेट? नहीं 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 हो गया सर टाइम, अब टाइम एक्सपर्ट एडवाइस आपने ऑप्ट कर लिए, तो हम हमारे एक्सपर्ट आसिम सर को बुलाएंगे एंड आसिम सर विल एक्ट। क्या बुल सिंह ये जमीन है? बुल सिंह छोटा बच्चा, गाय कुत्ता गोट गोट एक्सपर्ट सर को बचाने के लिए आवाज निकालना ज्यादा बेटर था। बोल नहीं सकते, मैं बोल रहा आवाज निकालना ज्यादा अच्छा था। मतलब इस राउंड में आपको एक्सपर्ट ने बचा लिया सर, तो अब आपकी तीनों लाइफलाइन खत्म हो गई है और अभी आपको एक और इनैक्ट करना है। कौन से गोट के सींग होते हैं भाई ऐसे सींग? तब ये लास्ट एक्ट आपको करना है। आपके पास अभी एक एक्सपर्ट और बचे हैं, आपको कभी यूज करना। अरे हाँ इनको यूज करेंगे, कभी नहीं बता पाए तो क्या? ये क्या है? फिर से वो गोट आ गई, बैल आया, बुल बस भाई। अच्छा फिर ठीक, बहुत सही सर दिखाना। जैसा कि मैं देख सकता हूं राउंड 1 2 3 तीनों राउंड आप लोग जीत चुके हैं। तीनों राउंड सर, एक भी लाइफलाइन यूज नहीं होती पता है, ये बच्चों को भी पता है। एक भी लाइफलाइन यूज नहीं होती, पर क्यों नहीं होती? क्योंकि ऋतिक सर का नाम दे दिया था और राइट एंगल भी दे दिया था, वो तो वेस्ट हो गई ना लाइफलाइन, मतलब आंसर हमने कर ही दिए थे है ना सर। देखिए पेपर हो जाता है खत्म, उसके बाद तो लगता है कि पेपर के सारे जवाब हमें आते थे है ना। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि यार ये क्वेश्चन तो आता था पर एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया। पर सर ये सरप्राइज टेस्ट था,
इनका टेस्ट लेते तैयारी के साथ, हमारा सरप्राइज टेस्ट है भाई। आपने भी कितनी बार क्लास शुरू करी और पहले ही क्वेश्चन दे दिया। मैं तो क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, क्वेश्चन से स्टार्ट करूं। वही था, वही हम चाहते थे, आप बच्चों की जो बच्चों के दिमाग में चलता है उस लेवल पे जाकर एक बार बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही वो प्रेशर आप फील करिए, इसीलिए ये एक्टिविटी रखी थी और बच्चों को भी काफी एंजॉयमेंट मिला होगा। हाथ ठंडे हो गए थे एकदम। अरे सर, सर काफी नर्वस हो गए। अरे नर्वस, काफी नर्वस हो गए सर। और सर दो तीन आंसर में तो आप नर्वस थे कि सही है गलत है, पर आपने कहा लॉक कर देता हूं, है ना। तो वो रहता है बच्चों के साथ भी। और जैसा कि आप जानते, मैंने कहा था जब आप तीनों राउंड जीत जाएंगे तो ये आपका इंतजार कर रहा होगा। क्या बात, लाल कपड़े के पीछे क्या है ये छुपा हुआ? तो एक बार इसको देखते हैं। बच्चों तुम्हारे लिए जीते हैं ये, चलो आओ। कुणाल सर इसको ओपन करिए, सामने से नहीं सही, इधर आ जाइए, इधर से बच्चे भी देख पाए क्या है। मैं भी देखो है क्या, ये क्या है ये भाई, ये फिर से कोई गेम ना हो जाए, क्या है, ध्यान से करना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जैकपॉट पे आ गया। जैकपॉट, गो टू द लास्ट स्टेज ऑफ दिस गेम। ये क्या है, ये कौन सा जैकपॉट है भाई? सर एक बार घुमा दीजिए इसको, देख लेते हैं क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से जैकपॉट ही आना चाहिए। क्यों सर, जैकपॉट पे कुछ चुपका रखा है क्या बनने? जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट, अरे क्या है, 300 ऑफ ऑन उड़ान फास्ट ट्रैक। क्या बात है, क्या बात है सर, आप एक बार स्पिन करिए। अच्छा मैं स्पिन करूं? हाँ, पर अभी तो घुमाए नहीं ना सर, आप घुमाएंगे? घुमाते हैं एक बार, देखते हैं क्या आ रहा है। मुझे तो लगता है ये सारा दे ही दो ना बच्चों को यार, बच्चे शो में आए हैं। आने वाला जैकपॉट, अरे स्पिन अगेन सर, दोबारा सर, बार बार खेलूंगा मैं, देखो तुम, मजा आएगा मुझे। जैकपॉट मुझे लग रहा है कुछ है, एक और गेम की स्टेज है मेरे को लग रहा है। गो टू द लास्ट, नहीं नहीं जैकपॉट नहीं आना चाहिए। सुनील सर कह रहे जैकपॉट नहीं, बस हो गया अब। बहुत खिला लिया। अरे 300 में उड़ान एंड नीव, ये जो जो आ रहा है उड़ान नीव, सब पे 300 ऑफ हो चुके हैं, है ना। क्या बात है सुनील सर, एक बार घुमा रहा है और मौका, क्योंकि तीन राउंड जीत कर आए हो यार। मैं एक बार और कर लेता हूं यार, मेरा मैं एक बार साथ, यस एक बार और कर लेता हूं, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अब देखते हैं क्या आ रहा है, 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 क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट है जो एग्जाम देने जाते हैं पर कुछ भी पढ़कर नहीं आए। हाँ सही, पर तो भी आंसर कर रहे हैं, तो भी आंसर कर रहे हैं, टॉप कर रहे हो सर आप। आप वो बैक बेंचर हो जो टॉप कर देता है बिना पढ़े। मैं रियलिटी में बैक बेंचर था, तुमको पता है, तुमको बताया मैंने हमेशा। तो बढ़ते हैं सर आगे, लास्ट स्टेज ऑफ दिस शो, ले चलो भाई आखिरी स्टेज पर शो के। और सर ये था जैकपॉट। अच्छा कुछ मिल रहा है बच्चों को, उड़ान फास्ट। ओ भाई बहुत सही, जो भी बच्चे उड़ान फास्ट ट्रैक अभी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आज के पीडब्ल्यू गेम शो में जो आपके सुनील सर है, कुणाल सर है, इनकी वजह से जो इन्होंने तीनों राउंड में इतना फैबुलस परफॉर्मेंस अपने सामने दिया है, उसके कारण आपके लिए ये ऑफर है। 1200 का प्राइस कर दिया गया है उड़ान फास्ट ट्रैक का, जिसके साथ आपको सारे वर्जन फ्री मिल रहे हैं, 1 2 3। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही, क्या बात है, बहुत फास्ट ट्रैक अगेन 1200 का प्राइस, सारे वर्जन आपको इसके साथ फ्री मिल रहे हैं। क्या बात है, उमंग 2.0 जो क्लास 8 का हमारा बैच है उसका प्राइस 999 कर दिया है, उसके साथ भी सारे वर्जन आपको फ्री में मिल रहे हैं। और उड़ान हिंदी, उड़ान हिंदी का एक ही वर्जन आया था, उसका प्राइस 999 कर दिया है। क्या बात, तो वो आपके लिए इस पीडब्ल्यू गेम शो में आपके फैकल्टीज ने आपको ये गिफ्ट दिया है। क्या बात है सर, इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को, मतलब बहुत अच्छा लगा। सारे प्राइजेस को ड्रॉप कर दिया गया है, तो जो भी बच्चों ने अभी तक अपनी क्लास 8 की 9th की 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो इन बैचेस में एनरोल करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट। 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 10th गेम 10। ये जो पीडब्ल्यू गेम शो है उसी का कूपन कोड बच्चे लगाएंगे तो उनको किताबें पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया। अगला और क्या सरप्राइज है भाई, सारथी फॉर फाउंडेशन अगेन, ये भी इसकी भी प्राइस को ड्रॉप कर दिया पीडब्ल्यू गेम शो में। 6 मंथ प्लान 2000 का, 1 मंथ प्लान 500 का। आगे चलते हैं। एंड सर थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए, काफी मजा आया, बहुत मजा आया।
हमारे एक्सपर्ट को भी मैं बुलाना चाहूंगा, एक बार आ जाइए। आओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया से कट किया आपने। आप लोगों ने भी काफी देर वेट किया, वेट कर रहे थे कब चांस आएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जीत में, आपकी जीत में इनका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से पार्टी दे दी सर ने, जो एक्टिंग की है उसी कारण से सर आज आप इस स्लाइड तक पहुंच पाए, नहीं तो आप वही राउंड थ्री में अलविदा कह चुके होते इस गेम शो को। बिल्कुल सही सर। तो थैंक यू एक्सपर्ट फॉर योर टाइम। सर मैं बच्चों से कुछ बात करना चाहूंगा, अभी ये वाला कैमरा ऑन है। हाँ सर। तो देखिए कितना भी अभी आपने देखा कितना बढ़िया हमारा गेम शो हुआ, लेकिन इट्स स्टिल पीडब्ल्यू थिंग्स अबाउट यू, है ना। एंड आप लोगों को अभी काफी सारे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं बैचेस के अंदर, अगर अभी तक हमने एनरोल नहीं किया है, ठीक है, सो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड एनरोल इन द बैचेस, ठीक है। पीडब्ल्यू ऑलवेज बिलीव्स इन अफोर्डेबल प्राइसिंग एज वेल एज की क्वालिटी एजुकेशन, एंड आई थिंक वी आर गिविंग द क्वालिटी एजुकेशन और सबसे मोस्ट अफोर्डेबल एडटेक प्लेटफॉर्म है हम। मुझे काफी पसंद चला, मुझे लगा कि ऐसा एक और क्वेश्चन पूछेंगे कुछ करेंगे, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अवेयर ऑफ एनी थिंग, कुछ भी नहीं पता था एक्जेक्टली मेरे को कुछ भी नहीं पता था इस शो के पहले। सर ने कहा क्या फॉर्मेट है, मैंने बोला मुझे भी नहीं पता, चलते हैं देखते हैं खेलते हैं मजे आते हैं, और आप लोगों ने भी काफी अच्छा एंजॉय किया, तो एकदम नेचुरल था पूरा, किसी को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। और काफी अच्छे क्वेश्चन टीम ने प्रिपेयर किए, थैंक यू टीम फॉर दिस वंडरफुल अरेंजमेंट, एंड बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों की भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ये एक्टिविटी केवल इसलिए की थी सर, रिफ्रेशमेंट के लिए, आप लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मिड टर्म एग्जाम देकर आए हो, नंबर कम आए होंगे ज्यादा आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी टाइम है, एंड टर्म में फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम है, मतलब यहां से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा कर लोगे। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो और ऐसे साथ बनाते रहो, है ना। पीडब्ल्यू का साथ आपके साथ हमेशा है, हर वक्त पीडब्ल्यू आपके लिए खड़ा है, और आपके लिए बहुत सारी फ्री सीरीजेस भी आने वाली है अगले वीक में। तो जिन बच्चों को वॉरियर का वेट है, वॉरियर इज कमिंग वेरी सून, है ना। जिन बच्चों को क्लास 9 की स्प्रिंट मैच का बहुत बेसब्री से इंतजार है, दैट इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून। तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहो, आपकी तैयारी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और एग्जाम में आप सबको फोड़ना है, उसके लिए सारे टीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैराथन क्लासेस। तो बस दैट्स ऑल। सुनील कुणाल सर, सर मजा आया मेरे को, लाइक अभी सुनील सर मैं डिस्कस ही कर रहे थे पूरे रास्ते में आ रहे थे, भाई होने क्या वाला है। ये बता रहे थे कि हमें जाकर क्विज लेनी है, मुझे यही बताया था, बहुत मजा आएगा, सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, तो ये आधे आधे डिवाइड करके आए थे हम। मैं कहा आधे आप लेना, आधे में लूंगा, पहले आप जाओगे कि पहले मैं जाऊँ, आप पहले चले जाना बाद में चले, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। सर लिटरली वो जो केबीसी वाला फील आता है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मस्त मजा ही आ रहा है, वो ड्रीम कम ट्रू टाइप से, जैसा हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। बस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो गिफ्ट मिला ना वो स्टूडेंट्स को मिला, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो हमने खेला और जो हम जीते, वो जो जैकपॉट था आई गेस, मतलब पूरा मतलब सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना। रीजन ये कि बच्चे एग्जाम्स आ रहे हैं आपकी सारी चीजें, एंड द बेस्ट थिंग इज कि भाई पढ़ते रहो जान लगा करके, हम भी आपके साथ लगे हैं, दिन हो या रात हो, वी ऑलवेज बी विद यू, एंड तभी कहते हैं पीडब्ल्यू इज इमोशन। ट्रू। और मतलब कुछ बच्चों के लिए सर ये 1200 की प्राइस भी ज्यादा होती है ना, हमने मतलब कई बार मैंने देखा है कि 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऑफ हम लोगों के लिए बहुत मिनिमल अमाउंट होता है, कि 100 रुपये 200 रुपये ऑफ कर दिए, पर एक स्टूडेंट के लिए जो बहुत समय से इकट्ठे कर रहा है पैसे कि यार जैसे ही 1200 होंगे मैं उड़ान खरीदूंगा, तो उसके लिए आज एक गिफ्ट है। सर मैं तो इसलिए फील कर सकता हूँ, आपने ऑफ किया ना, आपने चीज़ बोली कि हमारे लिए, हम लोग खुद जब मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो हम भी ऐसी फैमिली से आते हैं कि जब 100 200 रुपये ऑफ दिखता है ना तो यार हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, हमारे लिए मैंने क्यों ये चीज बोली कि मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज आई कैन एक्चुअली फील दिस, क्योंकि यहां तक आने से पहले हमने वो चीज देखी है। तो 100 200 रुपए मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होते हैं भाई, ये 300 रुपए 500 रुपए 400 रुपए, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर पीपल लाइक अस हु बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए ये प्राइस भी इतनी अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं उन सारे बच्चों को कह दूं आपके लिए फ्री यूट्यूब चैनल, क्लास 10th का उड़ान बना दिया है, क्लास 9 के बच्चों के लिए नींव बना दिया है, जहां पे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, यही टीचर मतलब पेड बैचेस में जो पीडब्ल्यू में पढ़ाते वही फ्री बैचेस में पढ़ाते हैं, यही टीचर आपको डिटेल्ड कंटेंट फ्री में भी दे रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैच खरीदना है ना, बस ये है कि किसी को बहुत ज्यादा ऐसा है कि हमें कोई स्ट्रक्चराइज्ड वे में टेस्ट देने हैं, डीपीपी सॉल्व करनी है, लेक्चरों को देखना है, उनके लिए ऐप एक डिसिप्लिन माहौल क्रिएट करता है, पर यूट्यूब पे भी उसी क्वालिटी का कॉन्टेंट पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है, आप उड़ान और न्यू में देख सकते हो। बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा सर, एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग अस, अरे पहली बार हम लोग आए, थैंक यू सो मच। अरे सर पीडब्ल्यू गेम शो में आप
लोग हमेशा याद, ये जब शो के मान लो आप 1000वां सीजन आ रहा होगा तब भी याद किया जाएगा कि पहले सीजन का पहला एपिसोड के होस्ट आप लोग थे। क्या बात है, क्या गेस्ट आप लोग थे, होस्ट तो मैं ही था और मेरे ख्याल से मैं ही रहूंगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, मन लगा के पढ़ाई करते हो।